जी हाँ दोस्तों, जहां कोरोना वायरस से परेशान होकर जहां अभी तक आईपीएल के सीजन को स्थगित किया हुआ था निश्चित काल के लिए, तो वहीं अब डेट सामने आई है सितंबर के महीने की। आप सभी को बता दें, इस साल यूएई में खेला जाना है कोरोना काल के बीच में आईपीएल सीजन 13। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें उनके प्रदर्शन पर टिकी होती हैं, तो इस बार सभी की निगाहें खिलाड़ियों की हेल्थ पर भी टिकी होगी। बता दें, इस बीच आईपीएल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को लेकर नई खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार आईपीएल में शामिल होने से पहले खिलाड़ियों के 4 कोरोना टेस्ट होंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों की पत्नियों को आईपीएल में शामिल होने की इजाज़त से संबंधित फैसला फ्रेंचाइजियों को लेना होगा। बता दें कि यूएई जाने से पहले खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। बीसीसीआई को इस मामले में कई फैसले लेने हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में भी खिलाड़ियों को कोरोना सुरक्षित रखने के लिए कई मामलों पर चर्चाएं होंगी। बता दें, हाल ही में यूएई क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा था कि आईपीएल में 30-50% दर्शकों को लाने पर विचार किया जा सकता है। आमतौर पर भी यूएई में इतने ही दर्शक आते हैं। हालांकि यूएई क्रिकेट बोर्ड में पीसीएल और अन्य मैचों के दर्शकों को देखते हुए ये बयान दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूएई में भारतीय लोग काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में 30-50% दर्शक लाने के लिए फैसलों पर सभी की टिकट बिक भी आसानी से सकती है। ऐसे में अजिंक्य रहाणे ने भी कुछ बयान दिया था, जहां पे कहा था कि परिवार की सुरक्षा अहम है। ऐसे में पत्नी और बच्चों को सामान्य स्थिति में ही यूएई लेकर जाने का फैसला सही होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सुरक्षा और अहम और इस खेल से जुड़े कुछ ना कुछ वाद विवाद होते रहते हैं। यूएई में कोरोना वायरस के मामले भारत से कई गुना कम हैं। वहाँ अब स्थिति नियंत्रण में नज़र आ रही है। यहीं देखा जाए तो वजह रही है कि बीसीसीआई ने वहाँ टूर्नामेंट कराने के लिए यूएई क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा था। हालांकि दर्शकों को लाने का फैसला पूरी तरह से परिवार की सरकार पर निर्भर करता है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या नई चीज़ें सामने खुलकर आती हैं। लेकिन कोरोना काल के बीच पे आईपीएल 2020 संभव हो रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी टीम होगी जो बाजी मार ले जाएगी? क्या वो होगी विराट कोहली की आरसीबी, या फिर धोनी भाई की सीएसके, या फिर रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, दिनेश कार्तिक की केकेआर, या फिर दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, या फिर कोई ऐसी टीम जो सभी को हैरान कर देगी, राजस्थान रॉयल, कुछ और बड़े नाम हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको क्या लगता है, इस बार कौन सी टीम बाजी मारेगी, कौन जीतेगी आईपीएल 2020 का खिताब कोरोना काल के बीच में? नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।